कई मीटिंगों में हम लोगों ने लोगों के साथ बातचीत की है, अपने पार्टी के प्रमुख साथियों से, नेताओं से, सब राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, सभी जो प्रभारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी और जिलों के प्रभारी और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, और उसके अलावे जिला के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष, कई प्रकोष्ठों के, 8 प्रकोष्ठों के, जिलों के अध्यक्ष, सारे MLA, MLC, MP, सब लोगों से हमने बातचीत की थी। जो लॉकडाउन की स्थिति कोरोना वायरस के चलते थी, तो उसमें एक तो जानकारी ले रहे थे कि कहाँ की क्या स्थिति है, और दूसरी बात लोगों को सचेत रहने का आह्वान कर रहे थे। ये काम तो पूरे बिहार में वो हम लोगों ने मई के शुरू में करके 1 तारीख से 17 के बीच में अनेक जगहों पर हम लोगों ने बातचीत की थी। लेकिन जो बाद में ये हुआ कि अब जो स्थिति है, इसको देखते हुए हम लोगों को पार्टी के सभी सक्रिय साथियों के साथ एक संवाद कायम करना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आज 5वां दिन है, और अब आज के दिन पटना कमिश्नरी के सभी जिलों के सक्रिय साथियों के साथ बातचीत है, और कल मगध कमिश्नरी के सभी जिलों के साथियों के सक्रिय साथियों के साथ बातचीत है। तो आज अभी नालंदा के सभी सक्रिय साथियों के साथ बातचीत का ये जो वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो इसमें हम आप लोगों का एक चीज के लिए सतर्क करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के। अब तो लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन जो देश भर में लागू हुआ था, अब लॉकडाउन 31 से नहीं, अब सीमित इलाके में जहां पर कोरोना वायरस की बीमारी बढ़ी हुई रहेगी, उन इलाकों को चिन्हित करके वहां पर लॉकडाउन सीमित इलाके में लगाया जाएगा। ये निर्णय है,